दक्षिण कोरिया की जानी मानी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैमसंग ने दोस्तों भारत में बहुत बड़ा फैसला लिया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेके। सैमसंग मोबाइल्स बहुत जल्द भारत में सस्ते स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन को बैन करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ महंगे फ़ोन की नहीं बात करता जो 40-50 हज़ार में आते हैं। सैमसंग इंडिया जो कि मोबाइल जैसे जो 3,000, 4,000, 5,000 में आते हैं, इन सारे फ़ोन की प्रोडक्शन को भारत में ख़त्म कर रही है। अब ऐसा सैमसंग क्यों कर रही है आपको बताता हूँ। दोस्तों भारत सरकार जो भी कंपनी भारत में अपने फ़ोन बनाती है उनको एक प्रकार का इंसेंटिव देती है या फिर कह लें सब्सिडी देती है। तो सैमसंग भी यह फ़ोन जब भारत में बना रही थी तो भारत सरकार इनको कोई सब्सिडी नहीं दे रही थी। अब आप पूछोगे भाई सैमसंग को सब्सिडी भारत सरकार क्यों नहीं दे रही थी। दरअसल दोस्तों सैमसंग जो भी फ़ोन फीचर फ़ोन होता है जो 5,000, 6,000 का आता है जिन फ़ोन को भारत में बनाती थी, बटन सेट स्पेशली कह लें, तो उन फ़ोन को भारत में बना के सिर्फ भारत में सेलिंग कर रही थी या फिर कह लें इस फ़ोन को सिर्फ भारत के लिए ही बना रही थी। जबकि सरकार चाहती थी कि जो फ़ोन सैमसंग बना रही है वो फ़ोन वो एक्सपोर्ट करे इंटरनेशनल मार्केट में। अब आप पूछोगे आज के ज़माने में बटन सेट कौन चलाता है। दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। हो सकता है अमेरिका में हर कोई एप्पल आईफोन रखा हो, लेकिन दुनिया की 60% आबादी आज भी बटन सेट इस्तेमाल करती है। जैसे कि अगर आप अफ्रीका में जाओगे, चाहे आप कुछ गरीब देशों में जाओगे जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ गरीबी है, वहाँ आज भी बटन सेट 100% लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग के पास टच स्क्रीन मोबाइल होता है। लेकिन सैमसंग ये नहीं चाहती थी कि वो भारत में बना के वहाँ भेजे, इसलिए सरकार ने उन्हें सब्सिडी देने से मना कर दिया। अब भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, तो भारत सरकार क्या कह रही है, जो हमारी देश की कंपनी जैसे लावा हुआ, इंटेक्स हुआ, आइटल हुआ, कार्बन हुआ, ये सारी कंपनी एक समय बहुत पीक पे थी लेकिन अब ये डाउन हो गई है। तो सरकार ने इस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए कहा कि आपको हम इंसेंटिव देंगे, सब्सिडी देंगे, आपकी फ़ोन हमारे देश में बनाइए और प्लस एक्सपोर्ट भी करिए, जिससे हमारी देश की कंपनी का मान भी बढ़ेगा अफ्रीका में उधर, और दूसरी तरफ हमारे देश में एक्सपोर्ट जो होता है ना, हमारे देश का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट वो बढ़ेगा। और दोस्तों ये बहुत अच्छा फैसला है, जैसे कि जो पैसा दक्षिण कोरियाई कंपनी को सैमसंग को जाना था अब वो हमारी देश का पैसा देश में रहेगा, और प्लस अफ्रीका से भी हम अब ट्रेड कर पाएंगे इन विजन फोर्स के मामले में। ओवरऑल एक बहुत अच्छा कदम मैं कह सकता हूँ भारतीय सरकार की तरफ से, जो हमारी देशी मोबाइल कंपनीज है इनको फिर से रिवाइव कर देगी ये टेक्नोलॉजी, और आने वाले समय में ये फीचर फोन बेचते बेचते हो सकता है ये लोग फिर से नंबर वन पे चले जाएं, जैसे कि 12-13 माइक्रोमैक्स नंबर वन पे था, उस प्रकार का ये भी लोग कमाल कर दिखाएं। ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या सैमसंग को अपना फीचर फोन भारत में बनाना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आप देश का फोन अब लेना ज्यादा अच्छा पसंद करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपके ऊपर ही मैं ये सवाल छोड़ता हूं, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर द न्यूज नेक्स्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।